हमें भी इधर से अभी थोड़ा काम है ना, दो बेटियां हमारी तो उधर ननकाना साहब में, वो बड़ी है, वो जवान है माशाल्लाह से। वो कहाँ है? उनको लेने के चक्करों में तो वो ना, वो बंदा दे नहीं रहा, वो कह रहा है किसके पास है? भी हुई भी होती है, पहले भी मैंने देखा मेकअप भी आपने में। जी, वो मेरी जिद की वजह से उनके पास ठहराई हुई है। अच्छा, आपकी बेटियां उनके पास हैं, वो दे नहीं ना मेरी, वो आपके पास आना चाह रहे, कहाँ जाती है? हम लोग पैसे देते हैं ना, मतलब 50 रुपए एक लगे लेते हैं नहाने के लिए। मेकअप आपने बड़ा बढ़िया किया। अजय बच्चों पास कहते मम्मा नहीं हमने गंदे नहीं रहना, उनके पीछे हमें रुकना पड़ रहा है इधर। मैं आपको पिछले महीने भी मैंने देखा था, अब भी मैंने आपसे बात की है, पिछले महीने तो हम एक साल हो गए। नहीं नहीं, मेरे पर ऑपरेशन हुआ था, दर्द दूर होती तो मैं लेट जाती हूँ, नींद आ जाती। लेकिन ये जो सना ना 10 साल की, 11 साल की, 12वें में जा रही। तो खाते पीते दादा दरबार से? हाँ दादा, तो मेरी सारी हमारी अमेरिका में जा रही, इधर नहीं जा रही। क्यों? आप अमेरिका रिपोर्ट पे खाना दिखाएंगे? नहीं, इस पर तो हमारी रिपोर्ट चल रही, सोशल मीडिया में चल रही रिपोर्ट। अच्छा। इसमें तो सिर्फ रिपोर्ट लिखी हुई है, बच्चियां रोड पे पड़ी हुई हैं। हाँ जी, हम खुद जो मर्जी कर ले, लेकिन बच्चियों को इस तरह नहीं है, बच्चियां रोड पे पड़ी हुई हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट राबिया मिर्ज़ा, खुश आमदीद कहूँगे इस प्रोग्राम में। नाज़रीन, इस वक्त मैं रोड पर बल्कि एक फुटपाथ पर मौजूद हूँ। यहाँ पर 3 बच्चियाँ जो कि माशाल्लाह से यंग है, जवान है, अपनी वालदा के साथ बैठी हुई हैं। इस वक्त वो रोड में, रोड के दरमियान में फुटपाथ पर हैं, लेकिन ये कुछ अंधेरे में लिख रही थी, बच्चियाँ सो रही हैं और माशाल्लाह साफ़ सुथरी तैयार शार हैं। क्यों यहाँ बैठी हैं, क्या मामलात हैं, कहाँ से आई हैं, सारा जानते हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है? नुसरत ननी नाजारा। नुसरत ननी नाजारा। नुसरत, ऐसे ये बच्चियों को माशाल्लाह, 4 बच्चियाँ हैं, कहाँ से आई हैं? हमें भी इधर से अभी थोड़ा काम है ना, 2 बेटियाँ हमारी तो उधर ननकाना साहब में, उनके पीछे हमें रुकना पड़ रहा है इधर। मैं आपको पिछले महीने भी मैंने देखा था, अब भी मैंने आपसे बात की है, पिछले महीने तो हम एक साल हो गया हमें इधर, 1.5 साल, 1 साल से ना हम लोग इधर, तो दादा दरबार एरिया से हम लोग इधर से खा पी रहे हैं बच्चे ना, हमारी मजबूरी जाएगा, मम्मी कमरा नहीं ले सकते रहे। अच्छा। डिवोर्स हो चुकी है। अच्छा। वो बंदा जो बेटियाँ नहीं दे रहा, हमारी 2 जवान, ये 4 तो ये है माशाल्लाह। हाँ, 3 बेटियाँ ये, 2 उधर है। वो तीन है, पहले तो 4 थी आपकी? नहीं, 3 है, 2 उधर है। वो बेट, वो हमारी लड़कियां वापस नहीं कर रहा, उसको बोला हमारी लड़कियां वापस करो, उस पे कपड़ा डालें, उसको बोला हमारी लड़कियां वापस करो, वो कह रहा है लड़कियां वापस नहीं अभी करेंगे। अब कोर्ट ये कह रही है कि आप ज़रा आना 2 महीने के बाद, तो फिर आपको हम लोग बच्चे वापस करवा देंगे। आप माँ हैं, आप माँ हैं? हाँ जी, वो कह रही खर्ची होगी माँ है। हाँ, देखिए ये जमाना कैसा है। हाँ, बहुत अच्छा जमाना, हमारे साथ तो बदतमीजी कोई नहीं कर। लेकिन बच्चियाँ रोड पे पड़ी हुई हैं। हाँ जी, हम खुद जो मर्जी कर ले, लेकिन बच्चियों को इस तरह नहीं है, बच्चियाँ रोड पे पड़ी हुई हैं। आप कभी सो जाती होंगे, ये कैसे सो रही हैं, कैसे है, जमाना नहीं अच्छा। हाँ, घर क्यों नहीं आप ले रही? नहीं, अभी बेटा नहीं ले सकते घर, क्योंकि मेरे पास परमिशन नहीं है। मैं तो एक गाना देती हूँ, तो इधर से पोस्ट कुछ भी पैसे नहीं दे रही। पे क्या गाने लिखती हैं? हाँ जी, इस तो सही कैसे लिखती हैं, कोई अपना गाना दिखाएंगे? नहीं, इसमें तो हमारी रिपोर्ट चल रही, सोशल मीडिया में चल रही रिपोर्ट। अच्छा। इसमें तो सिर्फ रिपोर्ट लिखी हुई है, देखो मुजरम नसीम उसके बारे में लिखा हुआ, क्योंकि हमारी दुश्मनी चल रही इनके साथ, इनको हम रिपोर्ट लिख के भेज रहे हैं, तो मेरी सारी हमारी अमेरिका में जा रही, इधर नहीं जा रही। क्यों? आप अमेरिका रिपोर्ट भेजती? हाँ, उधर ही हम भेज रहे हैं, अभी तो मैं उधर ही भेज रही हूँ डॉन वालों के ऊपर लिख के, क्योंकि डॉन वालों का आपको पता है इधर पीरियड ही नहीं। आपकी तालीम क्या है? मेरी माशाल्लाह बीए तालीम है और TGM की पोजीशन आई है,
और डीजीएम की जो पोजीशन में डीसीओ कौन लगाएंगे? डीसीओ साहब ये कह रहे हैं कि आप एक साल का वक्त वक्फा लें तो आपको बेटा फिर हम लोग पैसे भी दे देंगे और घर की चाबी। अब रिपोर्ट कैसे भेजती हैं? लिख तो यहाँ नहीं है अखबार पे, तो रिपोर्ट वो कार्ड के जरिए ना, वो खाता नहीं होता 20 रुपये का लेते, उसके अंदर डाल के तो फिर अपना दूसरा पोस्ट में डाल देते। तो फिर ये होता है कि पोस्ट आपने मेहंदी शेहंदी लगाई हुई कहीं फंक्शन पे गई? नहीं नहीं, वैसे बच्चे वो ईद पे लगा रहे थे हमें। प्यार भी हुई भी होती है, पहले भी मैंने देखा मेकअप भी आपने में। हाँ जी, हमारा सिंगर है एड्रेस है ना तलक, तो बच्चे कहते मम्मा गंदे नहीं रहना होता, उस पर कपड़ा डालो। चलो ठीक है, आप जाएं, अब हजूम जब बनाएंगे फिर जो लड़के करे मेहरबानी है। आप बस थोड़ी सी और बात है, माशाल्लाह क्या क्या उम्र है? ये जो सना ना 10 साल की, 11 साल की, 12वें में जा रही है। तो खाते पीते दाता दरबार से? हाँ, दादर बार से भी खा रहे हैं और जो पैसे सिंगिंग के आ रहे हैं वो भी खा रहे हैं साथ में। कभी किसी ने आपसे कोई गलत बात की? नहीं, हमारे साथ तो कभी नहीं किया, हमारा साल हो चला हमारे साथ बहुत। और औरत को देख के मर्द वैसे ही भूखा बन गया? नहीं नहीं, हमारे साथ कभी नहीं की, क्यों ना कभी को भी नहीं। तो आप रात को खुद सोती हैं या बच्चियों की पहरेदारी करती? नहीं नहीं, मेरे पर ऑपरेशन हुआ तो दर्द दूर होती तो मैं लेट जाती हूँ तो नींद आ जाती, लेकिन अपना दूसरा बच्चों के साथ बैठे बड़े दिनों से मैं यहाँ देख रही हूँ। तो कैसे कपड़े कैसे चेंज करती हैं, वॉशरूम कैसे जाती हैं, कहाँ जाती हैं? हम लोग पैसे देते हैं ना, मतलब 50 रुपये एक लड़के लेते हैं नहाने के लिए, और चार बंदे हैं, चार बंदे को अपना 200 रुपया ले लेते हैं। अच्छा, फिर कपड़े कहाँ धोती हैं? कपड़े कहाँ धोती हैं? मैंने नहीं कपड़े धो रहे, मेरा मतलब धोबी को दे चढ़ी दे उतू, मतलब एक एक सूट का 50-100 लेते हैं, 400 रुपया उधर ले लेते हैं। अब धो भी लेते हैं, बस टूटियों में लड़कियाँ धो लेती हैं, उसे तो बैठा नहीं जाता, मैं नहीं धोती। बच्चियाँ जवान हैं? नहीं, यही धो लेती है पकड़ के अपने अपने, मतलब पैंट शर्ट धो लेती हैं अगर धोने हो तो। मैं तो कभी कहा नहीं इनको धोए, तो जो जो बड़ी है वो जवान है माशाल्लाह से। वो कहाँ है? उनको लेने के चक्करों में तो वो ना, वो बंदा दे नहीं रहा, वो कह रहा है किसके पास है जिससे मैंने डिवोर्स ली हुई है, वही बदतमीजी कर रहे हैं, वो नहीं दे रहा। नहीं नहीं, उसने आगे बंदों को दो तीन बंदे, मतलब हमारी दुश्मनी उनके साथ, तो मेरी जिद की वजह से उनके पास ठहराई हुई है। अच्छा, आपकी बेटियां उनके पास हैं, वो दे नहीं ना मेरी, वो आपके पास आना चाह रहे हैं? वो बच्चे कह रहे हैं कि मेरा मकसद अभी मम्मा आप जो आपकी जो तलीम की पोजीशन आई है ना, इसमें आप अकाउंट लगवाएं पहले तो फिर हम आपके साथ चल देते हैं, लेकिन अभी उतनी देर में हम लोग चल मैनेज कर रहे हैं, लेकिन वो बंदे ठीक नहीं, मार पिटाई कर रहे हैं। और मैसेज आता है हमें गाँव से, भैया आपकी बेटी को आई में मारा है, आई मारा, बड़ी बेटी का नाम कुरत है नहीं ना, एक दूसरे का नाम दिया नीलम परिनास है। मेकअप आपने बड़ा बढ़िया किया। अजय बच्चों पास कहते हैं मम्मा नहीं हमने गंदे नहीं रहना आप, ये इसलिए रोड पे रह के भी आपने तैयार है आप। बस माशाल्लाह, जब बस सोने से क्या होता, सोने से क्या बंदे की रिलेशन बदल जाती है, जो बात बदल जाती है, ये बात है। ये जो लड़कियाँ वो वापस करवा दें, ये सिंगिंग इसका प्रोग्राम है, तो मतलब मकसद है कि इसके गाने बिकने चाहिए पाकिस्तान में भी। आपके कोई आपका मशहूर गाना? मेरा हंजू मुक्के सबसे पहला था। कौन सा? हंजू मुक्के पूरा जरा थोड़ा सा। हंजू मुक्के मुक्के दूरियां, इसमें मेरा टाइटल पहला था, वो कराची से मैंने शुरू किया था 2016 में। अच्छा। इसका 1 लाख रुपया मुझे मिला था, लेकिन अभी इसमें जो ये पोस्ट है ये पंजाब की, इसमें कोई रुपये पैसे नहीं देते ज़्यादा, 500-600 हज़ार रुपया। तो अभी जो पोस्ट ही खा जाती है, हम कुछ कह नहीं सकते जी। नाज़रीन, ये है हमारे पाकिस्तान की सिंगिंग राइटर जो सॉन्ग लिखती हैं, और ये सॉन्ग राइटर हैं, और ये यहाँ पर रोड पे बैठी हुई हैं, और यहाँ पर ये इसके ऊपर अभी तो ये रिपोर्ट अमेरिका के लिए लिख रही हैं, और ये गाने भी इन्होंने बेतहाशा लिखे हैं, बच्चियों को लेके यहाँ पर बैठी हुई। बाकी सारी कहानियाँ आपने सुनी है, उम्मीद करती हूँ कि इनकी कहानी आप तक पहुँची होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दीजिए इजाज़त, हाजिर होंगे नए प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़।